बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैग क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, जो टैग क्वेश्चन होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के खंड में आते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ टैग क्वेश्चन इज अ स्मॉल क्वेश्चन। एक टैग क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन होता है विच इज आस्क्ड विद द हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जो किसी जुमले के हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जरिए से पूछा जाता है। एंड आर यूज्ड आफ्टर सिंपल और नेगेटिव स्टेटमेंट टू कंफर्म द स्टेटमेंट। और इस्तेमाल होते हैं काम पे सिंपल और नेगेटिव स्टेटमेंट के बाद, ताकि उसी स्टेटमेंट को कंफर्म कर सकें, पक्का कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक सादा स्टेटमेंट है कि शी इज कमिंग विद अस। अभी ये एक आम स्टेटमेंट है, एक आम बयान है कि कोई शख्स कह रहा है कि शी इज कमिंग विद अस। इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक टैग क्वेश्चन हम करते हैं। टैग क्वेश्चन यूं होगा कि इजंट शी, यानी कि क्या वो वाकई हमारे साथ आ रहा है। तो इस टैग क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे एक स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि टैग क्वेश्चन बनता कैसे है। इस रूल को जरा गौर से सुने, क्योंकि आप इसमें गलत भी हो सकते हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन में कहा था कि जो टैग क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा सिंपल स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट के ही बनते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट था तो उसका जो टैग क्वेश्चन है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टैग क्वेश्चन बनेगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव था तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव टैग क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट कमिंग विद अस। इसका टैग क्वेश्चन अब सिर्फ इंट्रोगेटिव में ई बनेगा। इसका टैग क्वेश्चन यूं बनेगा, इज शी। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कोई टैग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर कैसा देना है। कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। टैग क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक रूल याद करना होगा कि अगर आपका टैग क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टैग क्वेश्चन है तो उसका जवाब आप हमेशा पॉजिटिव आंसर दोगे। अगर आपका टैग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव टैग क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर नेगेटिव में ही दोगे।